नमस्कार, ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, एस्ट्रो गाइड एवं वास्तु कंसल्टेंट आनंद गुजरात से। दोस्तों, दीपावली का त्योहार बहुत नजदीक आ रहा है और हम सब लोग बड़ी बेताबी से इस पर्व का इंतजार करते हैं। हिंदू संस्कृति में दीपावली का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। 5 दिन हम सब लोग बड़े उमंग से, उल्लास से और जोश से इस पर्व का आनंद लेते हैं। इस पर्व में घर की साफ सफाई, घर की सजावट, मंदिर में भी पूजा अर्चना, कुबेर जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, हनुमान जी की उपासना आदि हम सब करते हैं। खरीदारी भी करते हैं, कई चीजों की खरीदारी होती है और पुष्य नक्षत्र और धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग सोना या कोई सोने से बना हुआ कोई गहना, ऑर्नामेंट्स, चांदी इत्यादि खरीदते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने किसी न किसी कोई वजह की, कारण की वजह जो होती है कि वो सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं। तो क्या ऑप्शन है? क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, अभी जो गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो बहुत बड़ा रेट है। लेकिन पुष्य नक्षत्र और धनतेरस के दिन ऐसी कोई चीज आप खरीदे जो वास्तु शास्त्र के मुताबिक है और उसे शुभ मानी गई है, तब भी आपके जीवन में मां लक्ष्मी जी का आगमन होगा और धन की आपको पूरे साल कमी नहीं रहेगी। आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे और नई ऊर्जा का संचार होगा। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 5 चीज शेयर करना चाहूंगा जिसे आप खरीदते हैं पुष्य नक्षत्र या धनतेरस के दिन तो उसे शुभ माना गया है और जरूरत नहीं है कि आप सोना और चांदी के गहने ही खरीदे या कोई लकड़ी खरीदे। दूसरी चीज, ये जो मैं सब बताने जा रहा हूं वो आप किसी अपने दोस्त को, शुभेच्छक को भी गिफ्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली दीपावली के दिन या नए साल के दिन। यदि आप उसे गिफ्ट करते हैं तब भी वो तो देखो प्रसन्न होगा क्योंकि उसे गिफ्ट मिल रही है, लेकिन आपके देने से आपके घर में भी मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी। हम सब लोग जानते ही है, जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद, शेयर करने का आनंद, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट इसमें है। तो चलिए बात करते हैं पुष्य नक्षत्र या धनतेरस के दिन एक कौन सी चीज आप खरीदे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा विश बेल की। इसे विश बेल बोला जाता है और ये आपको इसकी मधुर आवाज, रणकार आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगी। इसे आप 2 जगह पे रख सकते हैं। एक तो आपका जो मंदिर का या पूजा स्थल है वहां पे रख सकते हैं, या दूसरा आपका जो मेन डोर है उसके पीछे आप इसे लगा सकते हैं। और जब आप अपने व्यवसाय के लिए, अपने जॉब के लिए जब भी आप बाहर जाए तो इसकी मधुर आवाज सुन के जरूर जाइए, इसे मूवमेंट करके जाइए, ये शुभ माना गया है, आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा।
दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो है ये नवग्रह ट्री है। पूरे के पूरे नवग्रह इसमें है और देखिए इसमें सजावट भी कितनी प्यारी की गई है। ये गोल्डन थ्रेड है, सुनहरे धागे, इससे ये सारे का देखिए एकदम बढ़िया सा आपके घर में आपके ऑफिस के डेस्क पे ये रहेगा तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे। एक चेतावनी, बाजार में भी ये सब मिलता है, कई लोग उसे छूते हैं, कई जगह से वो एक दूसरी तीसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन में आता जाता रहता है, लेकिन इमीडिएटली आप वहां से खरीदे और कोई एस्ट्रोलॉजर के वहां से या ऐसे जैसे कि जैसे वास्तु की जो चीज रखता हो वहां से आप खरीदे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे मेरी एस्ट्रो गाइड की ये जो ऑफिस है आनंद में, वहां पे मैं ये सारी चीजें मंत्रों से अभिमंत्रित करता हूं, उसे पवित्र करता हूं ताकि उसके पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है वो बरकरार रहे। और याद रखिए कि एक कोई भी चीज है वो मंत्रों से ही अभिमंत्रित होती है और उसमें शक्ति का संचार होता है, ये पवित्र होती है। तो ये दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि ये यदि आप ये खरीदते हैं तो अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, इसे क्रिस्टल ट्री बोलते हैं, अलग अलग स्टोन में स्टोन से बना हुआ होता है, अलग अलग स्टोन उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे नवग्रह होते हैं हमें मालूम है, नीलम है, माणिक है, जो सूर्य का प्रभाव कम है तो हम माणिक यूज करते हैं, शनि का प्रभाव कम है या वो बलवान नहीं है तो हम नीलम, तो ऐसे अलग अलग। तो ये स्टोन है, इसे भी पवित्र किया गया है, मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया है, इसे क्रिस्टल ट्री बोलते हैं। ये अलग अलग सेफायर, उसमें अलग अलग डिजाइन भी होते हैं, देखिए ये भी कितना बढ़िया है आप देखिए। तो ये छोटा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा आता है, अलग अलग टाइप के ये जो क्रिस्टल ट्री है वो आता है। मैं एक और बड़ा भी आपको दिखाऊं, देखिए कितना बड़ा है एकदम, और बहुत सारे इसमें स्टोन्स सेफायर लगे हुए हैं। तो इसका एक ऑरा होता है, एक इमेज होती है, ये आप अपने घर में या ऑफिस में रखते हैं तो रियली बढ़िया होगा, आपकी दिवाली अच्छी तरह से जाएगी, आपका पूरा साल बहुत अच्छा व्यतीत होगा। उसके बाद का जो है वो है प्रोग्रेसिव यंत्र, इससे आपके जीवन में प्रोग्रेस होगा, बढ़ती होगी। यदि आपके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, उसका स्टडी में ध्यान नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो भी इसको नॉर्थ की दीवार पे, उत्तरी दीवार पे आप यदि ये लगाओगे तो जरूर इसका जो प्रभाव है वो आपके घर में रहेगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, ऊर्जा का संचार होगा। और आप तो फिफ्थ आइटम, उसे हम बोलते हैं गोमती चक्र ट्री। ये गोमती चक्र ट्री है, गोमती चक्र को लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है, इसे भी हम मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। और यदि आप इस ट्री को अपनी ऑफिस में, पूजा स्थल पे या नॉर्थ पे, क्योंकि नॉर्थ जो स्थान है वो कुबेर जी की भी जगह है, कुबेर जी वहीं से हम सबको आशीर्वाद देते हैं, तो यहां पे ये रखने से आपको जरूर फायदा होगा। ये सारी जो चीज मैंने आपको बताई, जो पांच चीज है, यदि इफ यू काउंट फॉर द प्राइस लेवल तो उसकी प्राइस, उसके रेट ज्यादा नहीं होते हैं। क्रिस्टल ट्री छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो उसके मुताबिक ये सारी की सारी चीज बहुत किफायती दाम में मिलती है।
लेकिन यदि आपको पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको धन की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो ये सब आप रखने से रियली आपको धन की कमी नहीं होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो आशा रखता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे जो नए वीडियो आने वाले हैं वो भी आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। धन्यवाद।